नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रानीपुर से निकटवर्ती ग्राम गुड़ा में दो भाइयों पर हुआ जानलेवा हमला। दोनों भाई अपने ग्राम से रानीपुर आ रहे थे, तभी हमारा पेट्रोल पंप के आगे निकले ही थे कि पीछे से रंजिशन लोगों ने चलाई गोली, बाल बाल बचे दोनों भाई। फिर अपराधियों ने गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर रोका और होने लगी दोनों में हाथापाई, जिसकी जानकारी रानीपुर में बैठे परिवार के लोगों ने अन्य लोगों को मिली तो वह लोग वहाँ से जल्दी वहाँ पर पहुंचे, जिससे हमलावर पेट्रोल पंप की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए। प्रार्थी ने रानीपुर पुलिस चौकी में दी घटना की जानकारी। श्रीमान रानीपुर पुलिस चौकी प्रभारी महोदय मऊ रानीपुर झांसी महोदय निवेदन है कि प्रार्थी दिनेश प्रताप सिंह सन ऑफ विश्वनाथ सिंह व अखिलेश सन ऑफ कुंवरलाल ग्राम गुड़ा थाना कटेरा के निवासी हैं। आज दिनांक 16 अप्रैल 2021 को दोपहर 2 बजे के करीब प्रार्थीगण मोटरसाइकिल से रानीपुर की ओर आ रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिलों पर व एक बिना नंबर की हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल से पुष्पेंद्र सन ऑफ ओम प्रकाश व जय प्रकाश सन ऑफ कोमल व राही सन ऑफ सुरेश यादव निवासी ग्राम गुड़ा व मनीष सन ऑफ रहीश ग्राम थोना थाना निवाड़ी रानीपुर पेट्रोल पंप के पास तमचा अड़ा कर रोक लिया एवं बोले कि साले हम लोग तुम्हारे बाप को जान से मारने के लिए 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, अब तुम्हें भी मार देंगे, कहते हुए जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। तभी मेरे पीछे मेरे गांव के कई लोग रानीपुर से आ रहे थे, तभी मेरे ऊपर जानलेवा हमले को देखकर मेरे गांव वाले लोग उक्त लोगों को पकड़ने के लिए दौड़े। तभी उक्त लोगों ने एक मोटरसाइकिल दौड़कर खेतों की तरफ भागने में एवं एक मोटरसाइकिल झांसी वाले रोड पर भाग गए। अपने ऊपर जानलेवा हमले से प्रार्थी अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले से प्रार्थी वदहवास हो गया है एवं भयभीत हो गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मुकेश प्रताप सिंह है। क्या घटना हुई आपका? आज हमारे भाई दो भाई हैं, एक अखिलेश और दिनेश, दोनों गांव से आ रहे थे रानीपुर मोटरसाइकिल से। जैसे ही पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, पेट्रोल पंप से आगे निकले, गांव के 4-5 लोग और उसमें जिसमें एक मध्य प्रदेश का इनामी अपराधी है, वो तमंचा लगाए लगातार 4-5 दिन से हमारे पिताजी क्योंकि गांव का बढ़ा से प्रधानी के चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको मारने के लिए घूम रहा था तमंचा लगा के। धमकी भी उसने दी है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। ये लोग आ रहे थे क्योंकि पिताजी उनको नहीं मिल पाए, बुजुर्ग हैं वो, इन्हें रास्ते में उसने रोक लिया 4 लोगों ने। एक मध्य प्रदेश का था, बाकी 3 लोग गाँव के। उनकी एप्लीकेशन हमारे भाई ने पुलिस चौकी में दी है और रोक के तमन चढ़ा दिया, उसे जान से मार देंगे। उसने जब मना किया कि नहीं तुम्हें कैसे मुझे मारोगे, उसने फायर कर दिया विरोध करने पर। फायर कर दिया तो पीछे से हमारे गाँव के और लोग आ रहे थे, उनने रोका, किसी ने हमें भी फ़ोन लगा दिया उन्हीं में से। तो 1 किलोमीटर की दूरी पे हम भी हैं, तुरंत हम जैसे ही बैठे थे घर पे, वैसे ही हम भी चले आए। देखा बोलो इनसे मुस्तम मुस्ता हो रही थी, तो तमंचा इनको फिर मार रहा था दोबारा गोली। इन लोग जो लोग किसी तरह बचने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय जो है हम लोग आ गए, हम लोग ज़्यादा हो गए, इकट्ठा हो गए, उसको खदेड़ा, मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया वो, पेट्रोल पंप से भाग गया पीछे से कूद के। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं उसको, एक तो उन पर तुरंत मुकदमा लिखा जाए, दूसरा जो मध्य प्रदेश के लोग यहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव को प्रभावित करने के लिए आए थे यहाँ, वो और उसकी हम आपको बताएं, जिसका हम नाम ले रहे हैं, वो कई क्या है, किराए का गुंडा है, वो किराए पे आता है। क्या नाम है उसका? मनीष यादव नाम है उसका। कहाँ का रहने वाला है? थोना का है, मध्य प्रदेश के निवाड़ी थाने के थोना का रहने वाला है। उसके बाप का नाम शायद रही थे,